दुनिया इस वक्त रूस, यूक्रेन और इसराइल हमास जंग के बावजूद शांति से बैठी हुई है। इसकी बड़ी वजह ये है कि दुनिया ये जानती है कि आपस में लड़ने वाले देश कभी भी उन्माद में बहकर परमाणु बम चलाने जैसी कोई भयावह गलती नहीं करेंगे। लेकिन उसी दुनिया की धड़कनें तब तेज हो जाती हैं जब उत्तर कोरिया से किसी मिसाइल की खबर बाहर निकलती है, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर दुनिया के सामने परमाणु खतरा तैयार खड़ा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस दिन भी किम जोंग का मूड बिगड़ा तो उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइल अमेरिकी शहरों पर धावा बोल देगी। अब एक बड़ी खबर ये आई है कि जिसने दुनिया की चिंता को थोड़ा हल्का करने का काम किया है। रोज रोज मिसाइलों के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों को पगला देने वाले किम जोंग उन को झटका मिला है। ये झटका ऐसा कि दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है। दरअसल दक्षिण कोरियाई सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की, लेकिन ये मिसाइल हवा हवाई निकली और आसमान में ही धुआं धुआं हो गई। किम जोंग उन अपने पिता की ही तरह मिसाइलों के शौक के लिए कुख्यात हैं। ऐसे में उनकी मिसाइल फेल होने से उन वैज्ञानिकों की शामत आना तय है जिन्होंने मिसाइल के प्रोजेक्ट पर काम किया। हालांकि उन वैज्ञानिकों के साथ क्या होगा या क्या हुआ, ये सच कभी बाहर सामने नहीं आएगा। लेकिन उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह को हार पसंद नहीं और मिसाइल लॉन्च में फेलियर तो कतई ही पसंद नहीं। वैसे भी ये मिसाइल उस वक्त लॉन्च की गई जब कुछ दिन पहले अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास के लिए एक विमान वाहक पोत तैनात किया है। उत्तर कोरिया ने विमान वाहक पोत की इस क्षेत्र में तैनाती पर विरोध भी जताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे एक मिसाइल प्रक्षेपित की जो कि उत्तर कोरिया के पूर्वी जल क्षेत्र की ओर प्रक्षेपित की गई थी। हालांकि ये प्रक्षेपण सफल नहीं रहा। बताया गया है कि इस मिसाइल के टुकड़े उत्तर कोरिया की राजधानी के पास प्रक्षेपण स्थल से 250 किलोमीटर दूर तक पानी में बिखरे हुए मिले और उनसे किसी के नुकसान होने की खबर नहीं मिल सकी है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ये हथियार ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो कि प्रक्षेपण के दौरान सामान्य से अधिक धुआं निकलने की वजह से इंजन में खराबी हो गई और मिसाइल फेल हो गई।